अगर बाढ़ नहीं आई होती तो मेरा आशियाना बर्बाद नहीं होता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक एडवांस स्ट्रक्चर जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और स्पोकन इंग्लिश में अक्सर आपको ये वर्ड सुनने को मिल सकता है और वह टॉपिक है बट फॉर प्लस नाउन, जिसे कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। यानी जब बट फॉर के साथ कोई नाउन लिखा जाता है तो बट फॉर का मतलब होता है अगर ऐसा नहीं हुआ होता। जैसे अगर कहना हो फ्रेंड्स, अगर बाढ़ नहीं आई होती तो मेरा आशियाना बर्बाद नहीं होता। आइए फ्रेंड्स इस बात को एग्जांपल में समझें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। अगर बाढ़ नहीं आई होती मेरा आशियाना बर्बाद नहीं होता, तो फ्रेंड्स आप कहेंगे बट फॉर द फ्लड। यानी अगर बाढ़ नहीं आई होती, बट फॉर मीन्स अगर ऐसा नहीं हुआ होता, मेरा आशियाना बर्बाद नहीं होता, माय हाउस वुडंट हैव बीन कोलैप्स्ड। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि बट फॉर के साथ एक नाउन आया और उसका मीनिंग हो रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ होता, यानी अगर बाढ़ नहीं आई होती। आइए फ्रेंड्स और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपकी मदद नहीं मिलती वह मर गई होती, तो फ्रेंड्स आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे बट फॉर योर हेल्प। यानी अगर आपकी मदद नहीं मिली होती, आपका सहारा नहीं मिला होता। फ्रेंड्स यह एक कंडीशनल सेंटेंस है जहां बताया जा रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वैसा हो जाता, वह मर गई होती, सी वुड हैव डाइड। फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता दूं कि बट फॉर के साथ आप एक नाउन लिखेंगे, लेकिन उसके बाद आने वाला सेंटेंस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। यानी इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले पार्ट को आप बट फॉर प्लस नाउन की मदद से ट्रांसलेट करेंगे, जैसा कि मैंने किया हुआ है बट फॉर प्लस नाउन, और अपने दूसरे पार्ट को सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म की मदद से बोलेंगे। हो सकता है कि आपका दूसरा पार्ट पैसिव वॉइस में हो, जैसा कि मेरा पिछला एग्जांपल का जो दूसरा वाला सेंटेंस था वह पैसिव में था। तो अगर आपका सेंटेंस पैसिव में है तो आपको हैव के बाद बिन लिखना होगा, यानी आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि ये बात आपको शानदार तरीके से पता चल सके। अगर मेरे पापा की मौत नहीं हुई होती मैं बेसहारा नहीं हुआ होता, तो फ्रेंड्स आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे बट फॉर माय फादर डेथ। यानी बट फॉर अगर ऐसा नहीं हुआ होता, यानी मेरे पापा की डेथ, बट फॉर माय फादर डेथ अगर मेरे पापा की डेथ नहीं हुई होती, ऐसा नहीं हुआ होता, मैं बेसहारा नहीं हुआ होता, आई वुडंट हैव बीन हेल्पलेस। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बीन इसलिए लिखा है क्योंकि बी मीन्स होना और यहाँ पर हमें वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैंने बी का थर्ड फॉर्म बीन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वर्ड बट फॉर का इस्तेमाल आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई इस लेसन को आपने शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।